हेलो दोस्तों, प्रथम मैं चलो यूनिक नाम आपका स्वागत है। देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट वीडियो है जो अमेजन एफिलिएट मार्केट का सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम बात की थी कैसे अमेजन पे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या अमेजन एसोसिएट एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं, कंप्लीट बात कर चुके हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा चुके हैं कि कैसे आप अमेजन पे एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अकाउंट हम क्रिएट किए, जो प्रोडक्ट का लिंक हम कैसे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो, क्या कोई वेबसाइट हो या अपना यूट्यूब चैनल हो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में कैसे अमेजन का कोई भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक को हम जनरेट करके लगा सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है और आप फर्स्ट पार्ट देखे नहीं तो प्लीज़ वो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए और अमेजन का एफिलिएट के अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में जान के आप पूरा एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो क्रिएट करने के बाद हम इस स्टेप पे आ जाएंगे। तो इस स्टेप में हम बात करेंगे कैसे एक अकाउंट में लिंक क्रिएट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट का और कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं, मगर बेसिकली हम आप आज यूट्यूब चैनल में लगाना सिखाएंगे। तो अगर आप न्यू यूट्यूबर है तो अभी आप अमेजन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करिए और जो भी प्रोडक्ट लिंक शेयर करिए, वहाँ पे जितना भी आपको आपके लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा उसका जो भी कमीशन है वो आपको मिलेगा, काफ़ी सारा अर्निंग भी इसमें होता है। तो चलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ मेरा ये, मैं आपको लैपटॉप में बताऊँगा तो मोबाइल में हम बाद में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये जो ये पूरा अकाउंट है आप देख सकते हैं, ये पूरा अकाउंट है। यहाँ पर आपका आप स्टोर नेम आ गया और आपका यहाँ पर मेल आईडी गया। ये जो इंटरफेस है पूरा होम पेज है, ये एफिलिएट की मार्केट का अमेजन एसोसिएट अकाउंट है। तो ये होम पेज है। तो पहले यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक पे आप लिंक जनरेट करके कोई किसी पर कहीं भी लगा सकते थे, मगर अभी थोड़ा सा चेंज हो गया सिस्टम 2022 में, थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे वीडियो बना के। तो यहाँ पर जितना आपका अर्निंग होगा यहाँ पर शो करेगा, टोटल कितना सीप हुआ, कितना अर्निंग हुआ, कितना ऑर्डर आपका है, कितना क्लिक हुआ, तो सारे यहाँ पर शो करेगा रिपोर्ट है। मगर ये पूरा पेज के बारे में हम बात करेंगे आगे बहुत सारा वीडियो बनने वाला है, आगे बात करेंगे। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे कैसे प्रोडक्ट लिंक क्रिएट करना है और कैसे यूट्यूब चैनल पर लगाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अमेजन का अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप नहीं होगा, अभी हम अमेजन का अकाउंट को ओपन करेंगे। तो चलते हैं, अमेजन का अकाउंट ओपन कर लेंगे और ध्यान रखना है उसी मोबाइल नंबर है, उसी मेल आईडी से आपको लॉग इन करना है जिस मेल आईडी पे आपका अमेजन एफिलिएट अकाउंट है या अमेजन एसोसिएट अकाउंट है। तो आप चेक कर लेंगे आपका नाम पे है कि नहीं, तो नाम है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अमेजन का पेज ओपन हो गया। अभी हम कहाँ पर लगाएंगे, अमेजन जो यूट्यूब चैनल पर। तो एक हम क्या करेंगे, एक जो भी यूट्यूब चैनल पे लगाएंगे वो यूट्यूब चैनल ये एक है चैनल रानी की रंगोली। यहाँ पर काफ़ी अच्छा रंगोली बनाते हैं और अगर आपको भी जानना है, रंगोली सीखने का इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल का लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर वो लिंक को क्लिक करके इस चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा बनता है यहाँ पर रंगोली, कोई भी रंगोली सीख सकता है। अगर आप रंगोली में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इसी एक फास्ट वीडियो में लगाएंगे जो भी अमेजन एफिलिएट का अकाउंट लिंक लगाएंगे। तो अभी चलते हैं, इसी वीडियो को ओपन करते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिंक शेयर करना है। तो लिंक शेयर करने का आपको क्या करना है, आपको पहले कुछ लिखना है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ परचेस रंगोली किट, रंगोली बनाने का सामान खरीदे। तो मैं यहाँ पर एक इंग्लिश में लिखा हूँ, एक हिंदी में लिखा हूँ कि मैं, क्योंकि हम यहाँ पर रंगोली का किट यहाँ पर सेल करने वाले हैं, तो इसलिए हम परचेस रंगोली किट लिखे और हिंदी में भी लिख लिया। अगर आपका कोई भी लोकल लैंग्वेज है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके हिसाब से कुछ ही लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ऑनलाइन, अभी चलते हैं हम अमेजन पे। अभी अच्छा, अब अभी कौन सा प्रोडक्ट हमको सेल करने, रंगोली किट। तो हम यहाँ पर रंगोली किट को सर्च करते हैं। रंगोली किट जब सर्च करेंगे तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारा रंगोली किट आ गया, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा रंगोली किट आ गया। तो हम कोई प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करते हैं। तो कोई एक प्रोडक्ट का हम ढूंढ लेते हैं, आपको कोई आपके हिसाब से कोई प्रोडक्ट हो। चलिए हम कोई भी प्रोडक्ट को एक ढूंढ लेते हैं, आप अपना हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढ लीजिएगा। तो मैं इसी प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ। तो चलिए इसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जब इसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा आपका जो भी पेज है। तो हम ये प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं और कुछ प्रोडक्ट देख लेते हैं। पहले हम एक दो प्रोडक्ट देख लेते हैं, आपके हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिएगा। तो इसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। अभी देखिए ये प्रोडक्ट ओपन हो गया। तो इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो नाम है, उस नाम को हमको कॉपी करना है। पहले आपको ध्यान रखना है, हम लिंक को बाद में कॉपी करेंगे, पहले इस नाम को कॉपी करते हैं। तो हम नाम जहाँ तक है वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पहले नाम को कॉपी करते हैं और चलते हैं वो चैनल पे, जो चैनल पे हम लगाने वाले हैं इसका इस प्रोडक्ट का लिंक को। तो चलते हैं, उसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे उसी चैनल पे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि आपको पूरा समझाने वाला हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है।
तो चलते हैं, आपको कुछ भी आप जितना हो सके उतना कॉपी कर लीजिए और चलते हैं उसी यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा हाई पेन लीजिए और भी चलते हैं उसी प्रोडक्ट का हमको लिंक कैसे एफिलिएट लिंक क्रिएट करना है। तो ऊपर देख सकते हैं टैक्स का एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स का ऑप्शन है, तो उसी टैक्स का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखाएगा एक लिंक ओपन हो जाएगा, देखिए स्टोर आईडी आपका देखना, आपका स्टोर आईडी जो आपका स्टोर आईडी पहले आप कॉपी करके रखते और ट्रैकिंग आईडी ये है, अभी स्टोर आईडी है, ट्रैकिंग आईडी, ये दोनों आपको चेक करना है। जब भी आप लिंक शेयर करेंगे दोनों का आपको चेक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर शॉर्ट लिंक है, फुल लिंक तो कोई लगाता नहीं है, अगर आपको फुल लिंक चाहिए तो फुल लिंक, मगर हम सब शॉर्ट लिंक ही लगाएं, शॉर्ट लिंक, तो जो लिंक है उसको लिंक कॉपी करेंगे और चलेंगे उसी प्रोडक्ट के सामने लिंक को पेस्ट कर लेंगे। चलिए एक हो गया सेम प्रोसेस, दूसरे चलते हैं और कोई एक प्रोडक्ट को हम ढूंढते हैं और कोई एक प्रोडक्ट को आपको लगाएंगे, तो दो तीन आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो चलते हैं और एक कोई प्रोडक्ट को हम चूज़ कर लेते हैं। देखिए आप कैसे, आप जो भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं सेम प्रोसेस में आप उस प्रोडक्ट को चूज़ करिए, उसका सब्जेक्ट को जो भी उसका नाम है उसको कॉपी करिए और बाद में उसका आपका उस प्रोडक्ट का लिंक को कॉपी करिए। तो चलते मैं और एक प्रोडक्ट को यहाँ पर ढूंढ अभी ओपन कर चुका हूँ और इसका भी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो उसका सब्जेक्ट यानी उसका जो नाम है, इसमें जो वो जो लिंक को क्लिक करें क्या क्या सामान वो खरीदने वाला है इसका मतलब ये है। तो हम वो उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर पेस्ट करते हैं और आई पेन देते हैं और उसमें जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे उसका शॉर्ट लिंक निकालेंगे, कौन एफिलिएटिक लिंक जिसको बोलते हैं, जो लिंक को जो क्लिक करके परचेस करेंगे तो हमको कमीशन मिलेगा। तो सेम प्रोसेस टैक्स पे चलते हैं, जितने बार आप शॉर्ट लिंक क्रिएट करेंगे आपको ये ध्यान रखना है, जितना बार आप शॉर्ट लिंक क्रिएट करेंगे आपका स्टोर आईडी और ट्रैकिंग आईडी को चेक करना है, दोनों सही होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम कॉपी लिंक कॉपी किए और पेस्ट कर लिए, हो गया। ऐसे आपको करना है, जितना भी आपको आपका जितना भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। तो मैं आपको और दोबारा और एक भी दिखा देता हूँ, तो अभी और एक कोई भी एक परचेस को और एक कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ। तो मैं 7-8 प्रोडक्ट को लगाने वाला हूँ यहाँ पर, मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दोबारा बोल दूँ, ये जो चैनल पर हम लगा रहे हैं रंगोली चैनल है, यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा रंगोली बनाते हैं जो भी बनाते हैं। तो अगर आप रंगोली देखने में इंटरेस्ट है, रंगोली सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वो लिंक को क्लिक करके उस स्टोर के बारे में देख सकते हैं और स्टोर को भी देख सकते हैं और चैनल को भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रंगोली बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी और एक सेम प्रोसेस में और एक लगा देते हैं, टैक्स करते हैं और लिंक कॉपी करते हैं, स्टोर आईडी ट्रैकिंग आईडी चेक करते हैं, लिंक कॉपी करते हैं और वो लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए अभी हम 4-5 लगाते हैं, देखिए 4-5 लग गया, 7-8 में लगा दिया। अभी क्या करना है, आपको मैसेज सेव कर दिया, अभी हम चेक करेंगे सच में जो हम लिंक लगाए लिंक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर आप किसी को और कोई वीडियो में लगाना चाहते हैं तो इसको सेम प्रोसेस कॉपी करिए, वीडियो में लगा दीजिए। तो मगर हम अभी चेक करेंगे ये सही में जो लिंक है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए हम और कोई एक यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेते हैं। देखिए मेरे और एक यूट्यूब चैनल को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे वो ये वीडियो है, मैं वीडियो को क्लिक करता हूँ, वो वीडियो ओपन हो गया। तो जब भी ओपन हो गया तो हम उसको पूछ करके डिस्क्रिप्शन में चलेंगे। तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन में, कहाँ गया, शो मोर पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्टोर आईडी कहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर दिखाए परचेस रंगोली किट, रंगोली बनाने का सामान खरीदे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नाम और यहाँ जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो लिंक है। तो हम एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, जब भी हम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए ये डायरेक्टली क्या ओपन हो रहा है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है, अभी देखिए अमेजन ओपन हो गया, वो प्रोडक्ट आ गया। तो कोई भी आपका यहाँ पर ऐड कैट करके बाय नाउ करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो इसका जो कमीशन आपको मिलेगा। तो हम और भी एक चेक करते हैं, तो हम चलते हैं उसी डिस्क्रिप्शन में और एक क्लिक करते हैं अभी देखते हैं, बहुत ही आसान है। आप अगर आपको दिमाग में कोई भी डाउट है आप नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरा जो बिजनेस ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट खुल गया। तो ये देखिए आप पूरा आसानी से आप अपना स्टोर को क्रिएट कर दिए और स्टोर का जो भी आप प्रोडक्ट का लिंक है वो लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दिए। तो देखिए ये बहुत आसान है कि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके स्टोर को चेक करना है कि स्टोर सही से काम करे नहीं करे, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, उस जो चैनल पे हम स्टोर का लिंक लगाए हैं उस चैनल का लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके उस चैनल को विजिट करिए, उस वीडियो को ओपन करिए और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन जाके आप देख सकते हैं स्टोर आईडी कैसा दिख रहा है, अगर आप वो जो हम लगाए हैं जो लिंक वो कैसे दिख रहे हैं, तो वहाँ पर देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं, आप भी खुद ये कर सकते हैं।
तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में बात करें, ये तो हम लैपटॉप या डेस्कटॉप के बारे में बात कर लिए, मगर आप अगर बहुत सारे फ्रेंड है जो कि मोबाइल पे ही अपना यूट्यूब चैनल ओपन यूज करते हैं, मोबाइल पे सारे काम करते हैं, मोबाइल पे भी हो सकता है। देखिए वो गूगल क्रोम खोल के डेस्कटॉप वर्जन जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे हो जाएगा। तो मोबाइल पे कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि और एक वीडियो में सारा कुछ बात बोल देंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट था कि अमेजन एफिलिएट के अकाउंट कैसे क्रिएट करने, सेकंड पार्ट में था कि कैसे अमेजन एफिलिएट अकाउंट का एक प्रोडक्ट का लिंक कैसे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो थर्ड में बात करेंगे थर्ड पार्ट में कि आप मोबाइल पे कैसे कोई भी प्रोडक्ट का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे आगे भी बात करेंगे एफिलिएट की एसोसिएट अकाउंट का जो होम पेज है उसको कैसे यूज़ करना है, और सबसे मेन चीज़ ये कैसे हम अमेजन एफिलिएट अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे, तो उसके भी वीडियो आने वाले हैं। तो आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, अगर आपको आगे भी ऐसे सीखना है तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा आप वो वीडियो देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया।